I'm feeling lucky. How about more streets? Us two in these streets. Diamonds on my feet. Caught up in these talks. Circling my head top. Should've been more cautious. Now I got what I wanted. Many I've been here before. Made it out of loving more. Like my frontal cortex. So I can't stop, I want it all. Listen up, I'm calling you. I need you to tell the truth. Remember why you wanted to. Remember that I still want you. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पोखरा। टुडे इज अ डी डे नहीं, एंड डे बोल सकते हो। वापस की जर्नी चालू हो गई है, खड़ी हुई बाइक, टोटल 6 बाइक जाएगी, बाकी सब काठमांडू जा रहे हैं। जिसको जाना था वो सब निकल चुके हैं, अभी हम भी निकलेंगे। दो दिन से मैंने कोई ब्लॉग नहीं किया था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू रेस्ट, बिकॉज ये राइड बहुत टायरिंग हो गया था। अब यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते और बाद में फटाफट से निकलते। Bed and you love feel dirty. It's everybody sweating drops. You're real keen. Bring it, let me get your juiciest piece. Can't remember when I've had the same please. तो यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट रेडी है, जहाँ आप लोगों को दिखाई दिया क्या प्यारा होटल है, और वहाँ पे अपना सनी साइड अप ऑमलेट बन रहा है। अभी यहाँ से सब लोग खाना खा रहे हैं, और वैभव भाई भी अभी फाइनली वैभव भाई हमारे साथ ज्वाइन होने वाले हैं। तो अभी हम लोग फटाफट ब्रेकफास्ट ख़त्म करके निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है, 7 बज चुके हैं। हमने 5:30 बजे का बोला था, बट 7 बज चुका है। और विजय भाई भी रेडी हो चुके हैं। अमित भाई काठमांडू जा रहे हैं, तो अमित भाई अपने को बाय बाय बोलने आए कि अभी निकलेंगे यहाँ से फटाफट, और आज हम पहुँचने वाले लखनऊ। देखते कहाँ तक पहुँच पाए, लखनऊ का प्लान है, पहुँचेंगे भी देखते, आगे जो भी होगा बताएंगे आप। अभी हम लोग निकल चुके हैं होटल से, हम 3 लोग निकले हुए हैं, सॉरी टोटल 6 लोग निकले हुए हैं, और हम 3 आगे हैं और बाकी के 3 पीछे दिख नहीं रहे हैं। और ये आ गया ब्लाइंड टर्न, निकलने के लिए इशारा कर दिया है, बस अभी यहाँ से निकलेंगे। अभी हम लोग सनोली बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, और ये दूसरा रास्ता लिया है पोखरा से हमने। तो अभी तक हम लोगों ने चला लिया 47 किलोमीटर्स, और 1 घंटा 20 मिनट हो गए है, और ये पहाड़ियों वाला रास्ता ही ख़त्म नहीं हो रहा है। आ जाओ, क्लियर है, बस के आगे भी क्लियर है। 125 किलोमीटर से हम लोग पहाड़ों पे ही चला रहे, कभी उतर रहे कभी चढ़ रहे, और सनोली बॉर्डर जहाँ से हम जाने वाले बाहर निकलने वाले, वो अभी भी 75 किलोमीटर दूर है। अभी बढ़ गया 75 किलोमीटर्स, मतलब और 2 घंटे लग जाने हैं अगर कंटिन्यूस चलाए तो, शायद कम लगेंगे। अभी तो थोड़ा सा ठंडा है तो शायद ब्रेक नहीं लेंगे, और अभी 10 मिनट का ब्रेक लिया था बीच में। होप के जल्दी पहुँचे, इंडियन बॉर्डर्स में घुसे, उसके बाद लंच वंच करेंगे। तो ये प्लान है अभी के लिए। तो अभी बॉर्डर रह चुके हैं 40 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट पहुँचना है। 3 घंटा 27 मिनट हो चुका है 144 किलोमीटर कवर करने में। सो सोच लो 1 घंटे में 50 किलोमीटर कवर हो रहा है। ओह फक, ऑफ रोडिंग आ गया, और ये मेरा प्लेट हिल रहा है, इसको जिप टाई मारना पड़ेगा। ये वाला प्लेट हिल गया है क्योंकि निकल चुका था ये वाला, अभी वो हिल रहा है, आवाज़ कर रहा है, कोई बात नहीं, खड़े रहेंगे तब उसको जिप टाई मारते हैं। लग रहा है बॉर्डर तक 4 लेन हाईवे है, काफ़ी अच्छा रास्ता है, तो क्रूज कर रहे हैं 90-100 पे, और आ गया है सिग्नल शायद से ही, तो खड़ा रहना पड़ेगा। लग रहा है बॉर्डर जल्दी पहुंचेंगे, सर लग तो रिया है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बुटवल, हम लोग जा रहे हैं सोनोली बॉर्डर की तरफ। अभी बॉर्डर जाके अब बाहर निकलेंगे, और बाद में गोरखपुर को क्रॉस करते हुए लखनऊ जाएंगे। सो हम लोग पहुँच गए हैं तो कोई गेट के ऊपर, लग रहा है कि यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। अभी बॉर्डर आने वाली है, गेट आ गया है नेपाल का, मैंने सोचा दिखा दो, अभी बॉर्डर नज़दीक लग रहा है। सो अभी बॉर्डर आ चुकी है, और यहाँ से अपना बंसार हुआ था, और वो रहे इंडिया की बॉर्डर।
अभी यहाँ से निकलेंगे और मिलेंगे अपने, ये हमारा रोड कैप्टन है राम, तो राम को भी मिल लेंगे और बाद में हम करेंगे बॉर्डर को क्रॉस। चलो राम, थैंक यू सो मच। यो बेबी वी विल मिस यू टू ब्रदर। चलो तो अभी एंटर करते हैं इंडिया में, नेपाल का काम यहाँ पे हुआ ख़त्म, अभी हम एंटर हो गए इंडिया में। तो यही जगह पे आप लोगों ने देखा होगा हमने बंसार बनवाया था, अभी हम लोग एंटर हो रहे हैं इंडिया। So, आप देख सकते हो भारतीय सीमा शुल्क आ चुका है इंडियन कस्टम्स इस तरफ, और हम लोग ने चेकअप वेकअप करवा लिया है सारी बैग्स का और अभी निकल चुके हैं, अभी अपने ऑफिस वापस से आ गए हैं इंडिया में। ओ भाई गर्मी चरम पे, खतरनाक गर्मी लग रही है। अभी ये ढाबे पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे, नींबू पानी पानी और वो सब कर लिया है, अभी यहाँ से निकल रहे आगे और ये ढलान पे खड़ी है, इसको खड़ा करने में जान निकल जाती है। हाय हो गया, फोन भी थोड़ा चार्जिंग में रखा है। और गोरखपुर है यहाँ से 60 किलोमीटर, आज अपने को जाना है लखनऊ, लखनऊ दिखा रहा है 290 किलोमीटर। तो अभी हमने ये पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा लिया है, विजय भाई ने भरवा लिया है, बस अभी फटाफट से निकलते अपनी बाइक, बाकी सब सही सलामत है, खाली वो मडगार्ड का इशू हुआ है तो वो अपने घर पहुँच के करवाएंगे। हमको यूपी के भाई लोग मिले हुए हैं, क्या नाम है आपका? मुसलमान। हाँ सलमान, सलमान दीपक, दीपक। और उन लोगों से अपनों ने चैनल सब्सक्राइब करवा दिया है, तो बस आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं हाईवे के ऊपर और यहाँ से लखनऊ के लिए दिखा रहा है 168 किलोमीटर राइट। तो अभी हम लोग पिछली बार जो पूर्वांचल वाला हाईवे लिया था एक्सप्रेस वे, वो नहीं ले रहे, नॉर्मल जो हाईवे है अयोध्या जाते हुए जाएगा, मतलब बाईपास करेगा वो वाला हाईवे ले रहे, वहाँ से भी अयोध्या जाने का रास्ता था बट वो एक्सप्रेस वे था, ये नॉर्मल हाईवे, तो यही लिया हुआ है क्योंकि वो 100 किलोमीटर ज़्यादा था। पिछली बार हमको देखना था कि हाईवे कैसा है, इसलिए हम लोगों ने वो लिया था, ये 100 किलोमीटर कम है, वो 100 किलोमीटर। तो अभी हमारा खाना वाना हो गया है, ये ढाबे पे हमने खाना खाया और अभी हम लोग निकलेंगे, दो बाइकें वहाँ रखी थी, बाकी यहाँ पे है और दो बाइकें इधर, टोटल 6 बाइक है अभी हम लोग जा रहे हैं। ये लोग आगरा चले जाएंगे, हम लोग लखनऊ रुकेंगे शायद, अभी के लिए ये प्लान बना है, अभी क्या होता है वो बताता हूँ। तो अपने को प्यारे प्यारे बच्चे मिले जिनको बाइक पसंद है, इसलिए वो दूर से हाई कर रहे थे, तो मैंने सोचा इनको व्लॉग में ले लेता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? समीर अहमद। समीर अहमद, मोहम्मद अफजल, सादाब अहमद, रजांग। तो अगर आपको अयोध्या जाना है तो यहाँ से जा सकते हैं, अभी बोर्ड गए यहाँ से लेफ्ट, जैसे ही राम के द्वार में आए भगवा रंग दिखाई देना चालू होगा, जय श्री राम। तो ये बात है भैया, लखनऊ है सीधा, अयोध्या आ चुका है, यहाँ पे बन रहा है अपना राम मंदिर, वैसे तो सबको पता है, मैंने सोचा बता दूँ। देखो क्या प्यारा सनसेट हो रहा है, बादलों के पीछे आधा सूरज छुपा हुआ है, क्या प्यारा मंजर है। और हम ये अयोध्या को क्रॉस कर रहे हैं, ये देखो आयसर वाले ने बाइक वाले के ऊपर चढ़ा दी आयसर, तो फाइनली वी आर स्टेइंग इन लखनऊ। अभी लखनऊ में हमने हमारी होटल बुक कराया हुआ है, वो 400 मीटर्स दूर है, तो आ ही चुके, बस आपको पहुंच के फ्रेश होके बात करेंगे और एक और खुशखबरी भी देनी है, तो बने रहिए व्लॉग में। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लखनऊ और यहाँ पे पार्क करी है हमारी बाइक, और जो आपको मैंने बोला था कि गुड न्यूज़ बतानी है वो चाचा अपने मुँह से बताएंगे। चाचा गुड न्यूज़ बता दो। बस इस बार मेरी धन्नों से मैंने 1,00,000 किलोमीटर पूरे किए आज, और अपन चारों लोगों ने साथ में राइड किए, चेनू भाई और
वैभव भाई, चेनू भाई एंड मी, हम साथ में थे। ये 1 लाख किलोमीटर की राइड तो चाचा हमको पूरी जिंदगी याद रखेंगे। और आपको दिखाता हूँ, देखो नेपाल टू लखनऊ, ये रहे देखो 1,96,000 किलोमीटर कम्प्लीटेड। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू मिस्टर डीजे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी अपने होटल में। जैसे मैंने बताया, हम लोग रह रहे हैं हयात में। तो ये है डीजे भाई और विजय भाई का रूम, एंड ये मेरा रूम है। और क्या प्यारा रूम है, कितना बड़ा बाथरूम है देख लो, और स्लाइडिंग वाला डोर है। ये हमारा ब्यूटीफुल सा रूम है। और वैभव भाई क्या कर रहे हो, तुमने इंस्टा का स्वाद चखा दिया है तो अभी इंस्टा देख रहा हूँ, तुम्हारी रील देख रहा हूँ। ये भाई भी इंस्टा यूज नहीं करते थे, अभी कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला था कि आपको खुशखबरी दूंगा, वो आपको मिली गई होगी। डीजे भाई ने खुद बता दी, डीजे भाई ने अपनी बाइक धन्नो के ऊपर 1 लाख किलोमीटर कंप्लीट कर ली है। तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, राइड एंड राइट शेप, पुश योर लिमिट टिल द टाइम यू आर एबल टू एंड इट। कल हम निकलेंगे इंदौर के लिए।